नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम साथियों पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को। और भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश। पहली कक्षा में हमने थोड़ा सा सामान्य परिचय और कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी और वापस मैं अगली कक्षा लेकर के पहुंच चुका हूं। और इस कक्षा में हम इस वंश को पूरा ही कर देंगे साथियों, तो तैयार हो जाइए पूरी तरह से। सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में ये फिट करना चाहिए कि गुप्त राजवंश के बाद यानी गुप्तोत्तर काल है ये साथियों। और इसमें हम जिस वंश को पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस वंश का नाम क्या है, पुष्यभूति या वर्धन राजवंश साथियों, ठीक है। और इसके सामान्य जानकारी के तौर पर कल मैंने आप लोगों को ये नक्शा तैयार करने के लिए बताया था कि इस समय क्या क्या होता है, यानी गुप्तोत्तर बाद में गुप्त काल के बाद में। मैंने अच्छी तरह से बताया था कि हरियाणा का क्षेत्र थानेश्वर, वहां पर पुष्यभूति वंश का क्या होता है, उद्भव होता है। इधर यूपी वाला ये भाग है कनौज पर मौकरी वंश का कौन है, ग्रह वर्मा है। और इधर मैंने बताया था असम को कामरूप कहा जाता है। और इधर क्या है, बंगाल में गौड़ वंश है, कौन, संसाक है, ये चर्चा आपने की थी। मालवा का कौन है साथियों, देवगुप्त है। और इधर मैंने आप लोगों को बताया था ये जो भाग है यानी महाराष्ट्र का इस क्षेत्र में चालुक्य वंश पुलकेसिन सेकंड यहाँ पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। इतनी चीजें आपको बताई थी और ये नक्शा आपके सामने फिर भी बड़ा काम आने वाला नक्शा है। तो लीजिए शुरू करते हैं, प्रभाव कर देखिए। पुष्यभूति राजवंश कल मैंने आप लोगों को बताया इसकी स्थापना हना पुष्यभूति ने की थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली सर्वप्रथम यानी प्रथम शक्तिशाली शासक था, प्रथम शक्तिशाली उसका नाम क्या था साथियों, प्रभाकर वर्धन। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन प्लस यशोमती का मतलब है, ये प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था। और इस यशोमती और प्रभाकर वर्धन के साथियों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि इस प्रभाकर वर्धन ने महाराजा अधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की और हुणों को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बस इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरी बात, इसकी पत्नी का नाम यशोमती और इनके क्या हुए, यानी दो पुत्र और एक पुत्रियां हुई, ठीक है, एक पुत्री, ठीक है। तो आप देख लीजिए, दो पुत्र, राज्य पहला है ना राज्यवर्धन, सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन। और देवगुप्त की है ना, गौर करना थोड़ा सा शॉर्ट में, कुछ भी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि इसका कारण क्या था, ये राज्यश्री थी। कैसे थी कि देखिए, राज्यश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, ठीक है, मोखरी वंश का है ना, मोखरी वंश का शासक है कन्नौज का, ठीक है ना, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। और ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दी, देवगुप्त ने, वो कहां का था, मालवा का था, ठीक है। इस बात को आप यहां से देख सकते हो कि ग्रह वर्मा कहां का है, यानी कन्नौज का है। ये देखिए कन्नौज वाला क्षेत्र जो मैंने आपको कल बताया था कन्नौज, ठीक है। और इधर ये मालवा का देवगुप्त है, देवगुप्त ने किसको, किसकी हत्या कर दी, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। अब इधर कौन है, थानेश्वर में राज्यवर्धन है, कौन है भाई, राज्यवर्धन है, यानी कि ये अपने बहिन के पति की मृत्यु का बदला लेगा। इस कारण ये जो राज्यवर्धन है ये जाकर के इस देवगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अब ये देवगुप्त की हत्या करता है कौन, राज्यवर्धन। इस कारण देवगुप्त का मित्र है इधर बंगाल का गौड़ शासक संसार, तो ये गौड़ शासक संसार देवगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। बस यही बात है, राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, और इसकी हत्या मतलब किसकी, राज्यवर्धन की हत्या संसार कर देता है जो कि गौड़ शासक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये तो सेव धर्म का था कट्टर, इस वजह से इसने क्या कर दिया था, बौद्ध ही जो वृक्ष था ना, बौद्ध वृक्ष उसको काट कर, जो पीपल का वृक्ष था है ना, जो यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा ज्ञान की प्राप्ति वगैरह, तो बौद्ध वृक्ष को काट कर गंगा में फेंक दिया था इसने। पूछा जा सकता है कि बौद्ध वृक्ष को किसने उखाड़ दिया, काट दिया, तो ये संसार था। तो राज्यवर्धन के बारे में कहानी होगी साथियों पूरी, ठीक। अब देखिए, हर राज्यवर्धन के बारे में हर्षवर्धन को एक बार नहीं करेंगे, एक बार राजेश्वरी के बारे में देख लीजिए, विवाह किसके साथ हुआ, जो पुत्री थी ग्रह वर्मा के साथ, मोखरी वंश का शासक है कन्नौज का शासक, न मोखरी वंश कन्नौज का शासक, ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर देता है, देवगुप्त मालवा का, इस कारण ये विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है, ध्यान रखना, बाद में विंध्याचल के जंगलों में, यहाँ है ना, यहाँ पर देवगुप्त की हत्या तो कर देता है, लेकिन फिर ना इधर ये गौड़ इसकी हत्या कर देता है, इसलिए फिर ये विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है। ओके, अब ले लीजिए अगला शासक, बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ध्यान रखना साथियों, हर्षवर्धन के बारे में जब भी पढ़ो, इसका जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था,
590 में हुआ था, इस कारण थोड़ा सा ध्यान लेना। 606 ईस्वी में ये क्या है 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, एक 16 वर्ष का है ना बालक जो गद्दी में बैठता है और इसके सामने परिस्थिति मतलब क्या कैसी व्यवस्था है, कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति है एक तो मतलब भाई बड़े भाई के है ना हत्यारे की क्या करना मतलब बदला लेना है, और दूसरा ये अपनी बहन का जो साम्राज्य है ये कन्नौज वाला इसकी बहन का ही तो था इसकी पत्नी थी तो ये भी वापिस लेना है ना, तो ये सारा भाग वापिस कवर करना, इस प्रकार की चीजें तो गौर करके देखना। तो सबसे पहले 606 ईस्वी में ये 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है और इसका अन्य नाम ध्यान रखना शिलादित्य है, ठीक है। और जन्म मैंने बता दिया 500 कब साथियों 90 ईस्वी को, हर्षवर्धन के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और संसार को ये पराजित किया, गौर करना भाई, जो संसार अभी अभी हमने चर्चा की थी जो कि राज्यवर्धन की हत्या की थी ना, संसार को ये पराजित कर देता, आगे कोई उल्लेख नहीं है, फिर संसार कहां पर गया, मार दिया नहीं मार दिया ऐसा कोई उल्लेख का नहीं, कोई जानकारी ज्यादा मिलती नहीं है। पहले ये सेव धर्म के अनुयायी थे हर्षवर्धन, बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे ह्वेनसांग के मिलने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना ह्वेनसांग के मिलने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और जनता पर कर लगाते थे 1/6 भाग, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब ये है ना मैंने आपको बताया था कि इधर दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी किसकी, राज्यवर्धन की, उस समय राज्यवर्धन ना अपहरण कर लिया। थोड़ा सा एक बात मैं आपको बताना यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही देवगुप्त ने गृह वर्मा की हत्या की थी ना, तो देवगुप्त ने यहाँ पर राज्य श्री का अपहरण कर लिया था, हरण कर लिया था, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, बंदी बना लिया था एक तरीके से, ठीक है, और फिर वो ले गया था। तो यहाँ से जब एक बार तो इसने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन इसकी तो खुद की हत्या होगी किसकी, राज्यवर्धन की, तो फिर यहाँ से वो कहाँ चली गई, राज्यवर्धन है ना कहाँ चली गई भाई, वो जंगलों में चली गई, विंध्याचल के, ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी, राज्यश्री। तो अब इसके सामने उसको वापिस लाना भी है, ढूंढ करके ये भी देखिए दिवाकर मित्र की सहायता से राज्य श्री का पता लगाया वापिस और उसको क्या ढूंढा, और कहते हैं कि वो सती होने वाली थी। और थोड़ा सा ये भी गौर कर लेना कि ये जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती, जब ये प्रभाकर वर्धन मरे थे तो ये सती हो गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगली चीज देखिए कन्नौज को राजधानी इसने बना लिया, कन्नौज को क्या बनाया, राजधानी, गौर करना, पहले राजधानी प्रारंभिक राजधानी क्या थी थानेश्वर और अब राजधानी क्या बन गई कन्नौज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, कन्नौज बाद में राजधानी बनी थी, पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी, कन्नौज हो जाएगी और प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हरियाणा, ठीक है। और साथ में देखिए प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक इसे कहा जाता है और सीता भी कहा जाता है, प्राचीन सीता भी कहते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू शासक, हालांकि इसके बाद हिंदू शासक हुए थे लेकिन इसको कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार कोई अलग डिफरेंट पर्सन आए तो, है ना। आगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करते हैं, कईयों के बारे में, तो कन्नौज को राजधानी बनाया प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, कहते हैं कि ये है ना हाँ मतलब तलवार से ज्यादा है ना ताकत इनके कलम में होती थी, किसमें होती थी कलम में। तो रचनाएं नागानंद ये इसकी रचना है, प्रिय दर्शिका ये भी इसकी रचना है, रत्नावली नामक इसकी रचना, कहते हैं कि तीनों ही नाटक है, ठीक है। तो ध्यान रखना नागानंद प्रिय दर्शिका और रत्नावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीजें अभी याद हो रही है। अगला देखिए पुलकेसिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने पढ़ा रखा है, पुलकेसिन सेकंड से 634 ईस्वी में नर्मदा रेवा भी नाम मिलता है, यहाँ पर ध्यान रखना नर्मदा या रेवा नदी के तट पर पराजित कर दिया जाता है, और करना खुद पराजित हो जाता है यहाँ पर कौन, हर्षवर्धन। दोबारा सुन लीजिए पुलकेसिन सेकंड से 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित हो जाते हैं कौन, हर्षवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वही कहानी है कि इन्होंने इतना साम्राज्य स्थापित तो कर लिया, इसको है ना इसको तो मित्र बना लिया, ठीक है, ये गौड़ ने इसको पराजित कर दिया बंगाल वाले को, यहाँ खुद का क्षेत्र था ही, यहाँ पर इसके बहनोई का था, बहनोई की मृत्यु हो गई, इसकी बहन वापिस आई तो कहते हैं दोनों ही गद्दी पर बैठते हैं, कौन कौन, राज्यश्री और यानी हर्षवर्धन, तो ये भी क्षेत्र इसका हो गया। अब बचा क्या मालवा के देवगुप्त की पहले हत्या हो चुकी है, ठीक है, इसकी कर दी, तो ये सारा क्षेत्र आ गया। लेकिन दक्षिण भारत में जब ये यहाँ पर आया ना, इधर ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, इधर ये कर रहा है कौन, पुलकेसिन सेकंड, और इधर ये कौन, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर इनको क्या है यानी कि लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ा नर्मदा के तट पर, और यहाँ पर ये हार गए थे। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है साथियों, ऐहोल अभिलेख, जो कि किसका है, ऐहोल अभिलेख पुलकेसिन सेकंड का है, लेकिन उसके लेखक कौन है, रवि कीर्ति, ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया पुलकेसिन सेकंड से 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित हो जाता है। आगे क्या जानकारी ऐहोल अभिलेख से, लेखक कौन है,
हरि कीर्ति और यह अभिलेख है किसका, पुलकेशिन सेकंड का है, द्वितीय का। और मृत्यु 647 एडी में सम्राट हर्ष की क्या हो जाती है, मृत्यु हर्षवर्धन की। तो इसका पूरा काल कितना हो गया, 606 से लेकर 647 एडी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। और अगला देख लीजिए, नालंदा शिक्षा का केंद्र था इसके समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सर्व ज्यादा मतलब यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। आगे देख लीजिए, कुंभ के मेले का आयोजन करवाया इन्होंने, धार्मिक दृष्टि से कुंभ के मेले का आयोजन इन्होंने शुरू करवाया था। प्रत्येक पांचवें वर्ष है ना मेला लगना लगता था, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए प्रत्येक पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, प्रयाग में है ना, प्रयागराज इलाहाबाद जानते हो आप लोग, तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद सभा का क्या करता था, आयोजन करवाता था ये। और एक बार क्या हुआ, छठा जब आयोजन चल रहा था ये, छठा जब आयोजन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ह्वेनसांग ने की थी, ह्वेनसांग, ठीक है, यात्रियों के राजकुमार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और सती प्रथा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सती प्रथा थी, क्यों थी, कि एक तो इसकी देखो इसकी है ना माता भी क्या हुई थी, सती हुई थी, और दूसरी ये जब विंध्याचल के जंगलों में ये ना दिवाकर मित्र की सहयोग से गए थे ना, तो कहते हैं कि वहाँ ये खुद राज्य सती भी सती होने की योजना बना रही थी, ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो सती प्रथा यहाँ पर थी, बाल विवाह भी था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, व्यापारिक केंद्र क्या था साथियों, कन्नौज था। और मथुरा, एक चीज और लिख लेना, मथुरा सूती वस्त्रों का इस समय क्या था, केंद्र था। ताम्रलिप्ति व भड़ौंच यहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे, ये दो चीज आप लोग और लिख लेना। तो ये थी आपकी छोटी सी महत्वपूर्ण क्लास, शायद आप लोगों को याद होगी कि बड़ा बड़ा फैक्ट मैंने अलग अलग हिस्से में बांट दिया है। अब शायद आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैप भी समझ में आ गया, ये कहानी यहाँ पर कैसे सेट बिठानी है, इसी प्रकार से याद कीजिए, कच्चा काम कर लीजिए, इन इतने शब्दों में पूरी कहानी याद हो जाती है, इतना लिखने पर पूरी कहानी याद हो जाती, कुछ फैक्ट अन्य आप लोग याद कर सकते हो। तो शायद आपको पसंद आई होगी कक्षा, तो आपका एक और महत्वपूर्ण राजवंश साथियों यहाँ पर हो गया पूरा, जिसका नाम क्या था, पूछे भी थी राजवंश। अगली कक्षा हम और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।